डिंडोरी जिले के बजाग थाना क्षेत्र में नाबालिग से चलती कार में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर बजाग थाना पुलिस चार दिन बाद एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। घटना के संबंध में बताया गया है कि पीड़ित नाबालिग अपने छोटे भाई और रिश्ते की बहन के साथ साइकिल से विक्रमपुर गांव में आयोजित बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम को देखने जा रही थी। तभी रास्ते में अंकित मानिकपुरी अपने साथी रवि मानिकपुरी, ओम प्रकाश यादव, पुष्पेंद्र यादव के साथ कार से आ रहे थे, जिन्होंने लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठाकर कार्यक्रम स्थल पर छोड़ने की बात कही। छोटे भाई को साइकिल से आने को कहा और कार में बैठा लिया। रास्ते में ही उन्होंने गाड़ी को कार्यक्रम स्थल न ले जाकर सुनसान अन्य क्षेत्र में ले जाने लगे और तेज आवाज में गाड़ी के अंदर गाना चला दिया, जिससे हम लोगों के शोर मचाने के बाद भी हमारी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। तब सुनसान इलाके में ले जाकर अंकित मानिकपुरी ने जबरन कार में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद कार से ही घर के बाहर छोड़कर सभी लोग भाग गए। घटना की जानकारी माता पिता को दी गई, जिसकी शिकायत बजाग थाना में की गई है, पर थाने में शिकायत दर्ज नहीं की गई। बजाग पुलिस की लापरवाही के चलते चार दिन तक परेशान होना पड़ा। वहीं चुनाव होने के चलते साधन नहीं मिलने पर 18 नवंबर को डिंडोरी आकर शिकायत की। तब 19 नवंबर 2023 को बजाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम ने बताया है कि घटना की पीड़ित के द्वारा जो भी शिकायत की गई है उसकी सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। वहीं मुख्य आरोपित अंकित मानिकपुरी और घटना में उपयोग की गई कार को हिरासत में ले लिया गया है। हम लोग जा रहे थे, जैसे मुंडा कार्यक्रम था तो देखने जा रहे थे, तो हम लोग साइकिल में जा रहे थे, मेरा भाई था, मैं थी और फिर एक लड़की और थी मेरे साथ में। तो वो लोग बोले कि कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोली कि विक्रम मतलब वहाँ जा रहे हैं मुंडा जयंती देखने। तो बोले कि हम लोग गाड़ी में बैठ जाओ, तो हम उनकी गाड़ी में बैठ गए। तो वो लोग बोले कि वहाँ जब पहुँच गए थे तो बोले कि यहाँ रोक दो, पर वो गाड़ी नहीं रोकी। उसके बाद आगे ले गए, आगे ले जाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि चलो बाजार से आते हैं, तो हम बाजार जाते हैं करके हम चले गए गाड़ी में। उसके बाद लेके वहाँ मैडम के साथ ले गए, वहाँ पे गलत हरकत किए मेरे साथ में। गलत हरकत करने के बाद फिर वो घर ले गए। घर में तो सब लोग कूद कूद गाड़ी से, दोनों लड़का थे रास्ते में आके और वो कूद मतलब छोड़ के हमें चले गए। उसके बाद फिर और लड़के, दो लड़के थे, वो फिर गए घर में छोड़ने हमें। वहाँ से छोड़ने के बाद फिर सब लोग मतलब दोनों लड़के गाड़ी से कूद कूद फिर भग गए। पुष्पेंद्र था और फिर रवि था और ओम प्रकाश, अंकित थे, तीन लोग। दोनों आधे रास्ते में उतर गए और लोग दो लोग ओम प्रकाश पुष्पेंद्र गए थे घर में छोड़ने के लिए। वो दोनों गाड़ी छोड़ के कूद कूद के भागने लगे। गलत गलत कौन किया? अंकित मानिकपुरी। क्या चाहते, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? रिपोर्ट उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। 15 तारीख को 4 बजे ये ले गए हैं सर पड़रिये घुमाने सर, और वहाँ से जब आ रहे थे तो हम देखे सामने में, फिर गाड़ी को हम एक दो इंट मारे, लड़का उतर के भाग गए वो पहले से। आपने थाने में रिपोर्ट लिखाने आए? आए हैं सर, और वो अगला पक्ष वाले बोले कि नहीं रिपोर्ट दोनों पक्ष से नहीं होना चाहिए, ऐसे करके हमें भुलवा के और घर ले गए। कौन भुलवा दिया आपको? वो 70 ठेकेदार, और थाना वाले बोले कि जाओ समझौता करवा देना, ऐसे करके बोले। फिर वहाँ से फिर कोई हमारा समझौता हुआ ना, कुछ नहीं। इसके बाद फिर हम रिपोर्ट लिखाने आप किस दिन आए थे? 15 को 8 बजे करीब रात में। जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर रिपोर्ट नहीं लिखी सर, जब समझौता करके आना करके बोले थे। कौन बोला? वो एक लड़का था, यहीं पुलिस है कि कहा है, वो बोला है। फिर हम भाग गए, नाम उसको पता नहीं। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, हम समझौता कोई केस नहीं हम। जब फिर कहाँ शिकायत की इस संबंध में? फिर हम शिकायत पर डिंडोरी चले गए। डिंडोरी में कहाँ पे? वो जहाँ चलती कार में गैंग रेप का मामला सामने आया है, क्या मामला है? एक्चुअल में ये दिनांक 15/11/2023 को ग्राम विक्रमपुर थाना बजाग में, वहाँ पर बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए गांव की बच्ची थी और उसके जो चचेरी बहन वगैरह के साथ उनकी जा रहे थे। तो गांव के जो परिचित लोग थे, जो चार लोग जो अर्टिगा गाड़ी में थे, तो वहाँ पर उनकी परिचित होने के
कारण हम लोग भी कार्यक्रम स्थल पर जा रहे हैं, बोले लिफ्ट लेके यानी कि कार्यक्रम में यानी कि दो लड़की भी यानी कि दोनों लड़की को बिठा ली और ये लड़के लोग भी कार्यक्रम स्थल के लिए गए। लेकिन कार्यक्रम स्थल में अपनी गाड़ी वगैरह नहीं रोके तो वो पास के जंगल में ले गए और उसके साथ यानी कि एक लड़का के द्वारा ये जो पीड़िता के साथ गलत काम किया गया गाड़ी में। और उसके बाद जैसी यहाँ पर 19/11/2023 को जैसी रिपोर्ट हो जाती है तो उसमें हम लोग पूरी तरह से सूक्ष्म रूप से विवेचना करके एक आरोपी अरेस्ट हो गया है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करके विधिवत कार्रवाई करेंगे। जो आरोपी अरेस्ट हुआ है मुख्य आरोपी है कि सहयोगी है? मुख्य आरोपी है। दूसरा सर, जो कार लगी हुई थी वो बताया जा रहा है कि किसी चुनाव प्रत्याशी के उसमें लगी हुई थी कार, क्या जांच की जा रही है? नहीं, इसमें विवेचना का विषय है, किसकी गाड़ी है, किसकी अनकी है, उसको पूरा खुलासा करेंगे। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन के कलेक्शन, जहाँ आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियाँ एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियाँ एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियाँ, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियाँ अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।